हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज रीजनिंग की वीडियो में हम देखने वाले हैं रीजनिंग के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आरपीएफ परीक्षा में पहले कई बार पूछे जा चुके हैं। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो प्लीज़ इसे एंड तक देखिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। अगर आप चाहते हैं रीजनिंग की हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो नीचे रेड कलर के बटन को दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचने स्टार्ट हो जाएंगे। और देखिए दोस्तों, इन सभी एग्जाम के लिए ऑनलाइन टेस्ट भी अवेलेबल है। यहाँ पे आरपीएफ कांस्टेबल के लिए 20 टेस्ट ₹120 में है, आरपीएफ एसआई के लिए 20 टेस्ट ₹199 में, और यहाँ पे डिस्काउंट कोड है सौरभ एसपीएल, इसको भर के आप ₹120 में ले सकते हैं, अदरवाइज यही टेस्ट आपको ₹150 में मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, और मैं आशा करता हूँ कि आप वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे और वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर करेंगे। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, क्या दिया गया है क्वेश्चन में। यदि किसी कूट भाषा में मेमोरी को 45, 46, 97 लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में प्राइवेट को कैसे लिखा जाएगा। तो क्वेश्चन को साथ ही साथ ट्राई भी करते रहिए और जो भी आपका आंसर आता है उसे कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा, और इसमें चल क्या रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। वीडियो को रोक करके क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो भी अल्फ़ाबेट जिस नंबर पे है उसमें आपको देखिए इस तरीके से प्लस किया गया है। जैसे एम हमारा कौन से नंबर पे आता है, 13 पे, तो 1+3 करके यहाँ पे लिखा गया 4। ई आपका आता है 5 पे तो सीधा 5 लिख दिया गया है। एम आपका आता है 13 पे तो 1+3 करके यहाँ पे 4 लिख दिया गया है। ओ आता है आपका कितने पे, 15 पे, सॉरी, तो यहाँ पे 1+5 करके 6 लिख दिया गया है। यहाँ पे R आता है 18 पे तो 1+8 करके 9 लिख दिया गया है। यहाँ पे Y आता है आपका 25 पे तो 2+5 करके यहाँ पे 7 लिख दिया गया है। तो ये इस तरीके से कोड बना है, तो ऐसा करता हूँ कि आपको इस समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया कि प्राइवेट के लिए क्या कोड यूज होगा, तो प्राइवेट में आपको क्या करना है, प्राइवेट में P आपका 60 नंबर पर आता है तो 1+6 करके यहाँ पे 7 लिख दिया गया है। फिर R आपका आता है 18 पे तो 1+8 करके यहाँ पे 9 लिख दिया गया है। तो I आपका आता है 9 नंबर पे तो यहाँ पे सीधा 9 लिख दिया गया है। V आपका आता है 22 नंबर पे तो 2+2 करके 4 लिख दिया गया है। A आपका पहले पे तो 1 लिख दिया गया है, सॉरी, यहाँ पे T आता है 20 पे तो यहाँ पे आपका 2 लिख दिया गया है। E आपका 5 पे आता है तो 5 लिख दिया गया है। तो यहाँ पे प्राइवेट के लिए क्या कोड हो जाएगा आपका, 4994125 इज़ द राइट आंसर। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए बहुत ही अच्छा पैटर्न था यहाँ पे, और अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा है और आपका आंसर सही था तो प्लीज़ लाइक करिएगा ताकि मुझे भी पता चले कि कितने बच्चों का यहाँ पे राइट आंसर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, और इसको ट्राई करिए, यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 को जल्दी से ट्राई करके राइट आंसर बताइएगा। यहाँ पे सबसे पहले इनके बीच में रिलेशन फाइंड आउट करिए जो दो लाइन आपकी कंप्लीट है, ठीक है ना, फिर नेक्स्ट आपको इसको तो इजीली निकाल ही लेंगे। तो यहाँ पे अगर बात की जाए 12, 5 और 10 और 50 के बीच में क्या रिलेशन है, देखिए 12 5 60 और 60 में से 10 को माइनस करेंगे तो 50, इस तरीके से यहाँ पे बन रहा है। 14 9 126, ठीक है, 126 में से 16 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 110। तो आप समझ गए यहाँ पे क्या चल रहा है, इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस ये, इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस ये। तो यहाँ पे इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 6 आपका कितना हो जाएगा, 96 96, ठीक है। और यहाँ 96 में से क्या माइनस किया जाए कि 84 आ जाए, तो यहाँ पे हम 96 में से 84 को ही माइनस कर लेते हैं, तो यहाँ पे कितना आएगा, 12, तो यानी कि यहाँ पे आएगा आपका 12। तो देख लीजिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो आपको पता चल गया होगा कि इसमें क्या पैटर्न चल रहा है। तो देखिए ढेर सारे क्वेश्चन मैं आपको इसी तरीके कराने वाला हूँ, ये सभी क्वेश्चन पहले आपके पूछे जा चुके हैं, तो इससे आपको और डबल हेल्प मिलेगी और ज़्यादा एनर्जी मिलेगी कि इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे और आप ज़्यादा मेहनत करेंगे, अपनी जो प्रैक्टिस बुक है आपके पास उसमें से पढ़ने की कोशिश करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर है डायरेक्शन से, ठीक है, तो डायरेक्शन में क्या पूछा गया है वो भी आपको इम्पोर्टेंट है यहाँ पे बताना, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में जो बताया गया है, एक आदमी अपने घर से यात्रा शुरू करता है, वह 5 किलोमीटर उत्तर में जाता है, फिर 10 किलोमीटर दाएँ जाता है। तो यहाँ पर हम लाइन पढ़ते रहेंगे और क्वेश्चन को करते रहेंगे। तो सबसे पहले उसने चलना स्टार्ट किया उत्तर की डायरेक्शन में और वह 5 किलोमीटर गया, फिर राइट मुड़ गया यानी कि आपका दाएं साइड मुड़ गया और 10 किलोमीटर वो चल दिया, तो यहाँ से चला था यहाँ तक आ चुका है। नेक्स्ट लाइन में क्या बोला गया है, वहाँ से वह फिर दाएं मुड़ा और 10 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ से वो फिर वो दाएं मुड़ जाता है और 10 किलोमीटर चलता है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक तो 5 है, तो यहाँ से चल के आपका यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा आपका
पाँच, और ये आगे का पाँच फिर और हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे यहाँ से चल के और यहाँ तक का कितना बन के आया है आपका, 10 किलोमीटर का, ठीक है ना। तो 10 मीटर या किलोमीटर, हाँ जो भी दे रखा है, किलोमीटर ही दे रखा है। वह घर से कितनी दूरी दूरी है, अब उसके घर से वह कितनी दूरी पर है यह आपको बताना है। सभी दूरियाँ काल्पनिक ढंग से मापी गई है। तो यहाँ पे जब भी ये वाली कंडीशन बोली जाती है ना कि वो अपने घर से कितनी दूरी पर है, तो आप ये चीज़ें जोड़ के नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे ये करते हैं कि 5 यहाँ से चला, 10 यहाँ से चला, 10 यहाँ पे चला, तो कितना हो गया वो, अब यहाँ पे आ गया ना, तो यहाँ से चल के कितना हो गया, 25 किलोमीटर आपको ऑप्शन में मिल सकता है, ठीक है। और आप उसको राइट आंसर भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, उसने यहाँ से चलना स्टार्ट किया था और यहाँ पे पहुँच गया, तो उसके बीच की दूरी, ये सबसे शॉर्टेस्ट जो तरीका होगा ये वो ये रहेगा। तो यहाँ पे आप ये देखिए क्या बन गया, एक त्रिभुज बन गया, ठीक है, ट्रायंगल आपका बन गया है, जिसमें आपको ये वाली भुजा भी पता है, ये वाली भी पता है, ये आपको निकालनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या पाइथागोरस हम लगा सकते हैं, तो घर से दूरी का हम क्या करेंगे, इसका यहाँ पे 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर और रूट यहाँ पे हम कर देंगे, ठीक है ना। तो इनको हम सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर आपका 100 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, तो रूट आपका 125 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए आपको ऑप्शन में मिल जाएगा √125, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है ना, मतलब आपका हार्ड नहीं है, बट इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, तो मैं इसलिए बता दिया है पहले से ही कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन होता है तो उसमें आपको पाइथागोरस लगानी होती है और कैसे आपको डिस्टेंस मेजर करनी होती है, कैसे मापनी होती है, तो इस तरीके से आपको डिस्टेंस लेनी होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आई थिंक ये, और इसमें देखिए कथन निष्कर्ष का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वो मैं आपके साथ में जरूर डिस्कस करना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पर ये ऑलरेडी आ चुका है आपके एग्जाम में। तो यहाँ पे दिया गया, एक कथन और उसके बाद 4 निष्कर्ष दिए गए हैं, वह उनमें से सही निष्कर्ष का चयन कीजिए। कथन क्या है, सभी छात्र स्नातक हैं, कुछ छात्र तैराक हैं। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सभी छात्र स्नातक हैं, यानी कि आपने सबसे पहले एक वेन डायग्राम बनाया छात्र का, ये वाला, सभी छात्र स्नातक हैं, और फिर बोला कि सभी जो छात्र स्नातक हैं, उसके बाद में क्या बोला गया है, कुछ छात्र तैराक हैं। तो यहाँ पे कुछ छात्र तैराक हैं, वही देखिए एक ये वाला, इसमें यहाँ पे 2 वेन डायग्राम बनाएंगे हम, कुछ छात्र तैराक हैं, ये वाली कंडीशन भी हो सकती है कुछ छात्र तैराक में, और कुछ छात्र तैराक में यहाँ पे देखिए छात्र और स्नातक वाला, ये 2 तो आपने बना ही लिए, यहाँ पे ये वाली कंडीशन भी हो सकती है, क्योंकि क्लियर नहीं किया गया है कि क्या है क्वेश्चन में, ठीक है। तो कुछ छात्र तैराक हैं, तो इस तरीके से आप यहाँ पे तैराक का एक अलग सा कट लगा के, क्योंकि कुछ वाली कंडीशन है, तो कुछ वाली कंडीशन में हम हल्का सा कट लगा के लिखते हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट लाइन में बोला गया है कि सभी तैराक वाहन चालक हैं, तो सभी तैराक आपके वाहन चालक हैं, तो इसका मतलब आपका क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा आपका वाहन, और सभी के सभी सॉरी ये हो जाएगा तैराक, और सभी के सभी तैराक आपके वाहन चालक हैं, तो इस तरीके से आप वाहन चालक का एक वेन डायग्राम उसके ऊपर को ले करके आ जाएंगे, ठीक है भाई। तो इस तरीके से आपको ये वेन डायग्राम समझ में आ गए होंगे, और ये 2 क्यों बनाए मैंने ये भी आपके समझ में आ गया, क्योंकि वेन डायग्राम ये भी बन सकता है इसमें और ये भी बन सकता है, ठीक है ना, क्योंकि कंडीशन यहाँ पे बोली नहीं गई है कि किस तरीके से ये मतलब क्वेश्चन में दिया गया है, क्लियर नहीं किया गया है। तो यहाँ पे निष्कर्ष देखते हैं निकाल के कि क्या क्या निष्कर्ष निकलते हैं। कुछ स्नातक तैराक हैं, कुछ वाली कंडीशन तो यहाँ पे हमेशा सेटिस्फाई रहेगी, कुछ स्नातक आपके तैराक हैं, तो देखिए अगर मैं पहले वाले डायग्राम की बात करूँ तो ये भी सेटिस्फाई करता है इस कंडीशन को, और कुछ स्नातक तैराक हैं तो ये वाले भी बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि स्नातक वाले कंडीशन में भी कुछ तैराक यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है ना। तो ये आपका पहले वाला तो हो जाएगा राइट आंसर, पहला आपका ऑप्शन जो निष्कर्ष है ए राइट हो जाएगा, सभी तैराक स्नातक हैं, तो सभी तैराक स्नातक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि सभी तैराक स्नातक कब होंगे, जब ये तैराक वाला जो वेन डायग्राम है ना, ये छोटे वाला इस बड़े वाले के ऊपर को होगा, और यही वाली कंडीशन यहाँ पे है, क्योंकि तैराक यहाँ ना अंदर है, तो सभी जो तैराक है वो इसके ऊपर को वेन डायग्राम आ जाएगा, तो तब जाके ये राइट आंसर होगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे केवल आपका जो राइट आंसर रहेगा निष्कर्ष ए रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 5 है आपका, इसमें बोला जा रहा है कि इस पर्सन में एक कथन दिया गया है और उसके बाद 4 विकल्प निष्कर्ष, सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। कथन क्या है, बहुत से भाषा विशेषज्ञ उपन्यास लिखते हैं, तो जो विशेष विशेषज्ञ है वो उपन्यास लिखते हैं, जो बहुत से भाषा के विशेषज्ञ उपन्यास लिखते हैं, तो निष्कर्ष में क्या है, कुछ भाषा
विशेषज्ञ उपन्यास नहीं लिखते हैं। तो देखिए, अगर आप इस कथन को ध्यान से पढ़ें एक बार और, कि बहुत से भाषा विशेषज्ञ उपन्यास लिखते हैं, बहुत से, सभी की बात नहीं की जा रही है, बहुत से की बात की जा रही है, तो इसका मतलब कुछ भाषा विशेषज्ञ उपन्यास नहीं लिखते होंगे। तो इस चीज़ से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि यहाँ पे सभी की बात नहीं की गई है, तो कुछ उसमें से ऐसे होंगे कि नहीं लिखते होंगे, ठीक है ना, कुछ भाषा विशेषज्ञ उपन्यास नहीं लिखते होंगे। तो ये पहले वाला ऑप्शन आपका राइट रहेगा। दूसरे वाला है उपन्यास सरकार का भाषा विशेषज्ञ होना जरूरी है। उपन्यास सरकार का भाषा विशेषज्ञ होना जरूरी है, तो ये कहीं से कहीं तक भी कोई रिलेशन नहीं है ऊपर कथन से इसका। दूसरा सी आपका जो है, उपन्यास लिखने के लिए भाषा विशेषज्ञ बहुत उपयोगी होती है, तो ये भी कहना यहाँ पे हम मतलब उचित नहीं होगा कि ये जो लाइन लिखी गई है कि इसका कथन से कोई लेना देना है, क्योंकि यहाँ पे बात कुछ और की जा रही है और यहाँ पे कुछ और की जा रही है। फिर ऑप्शन डी आपका, सभी उपन्यासकार भाषा विशेषज्ञ होते हैं, तो ये कहना भी गलत हो जाएगा कि सभी वाला वर्ड आ गया ना, तो कंडीशन जो होती है निष्कर्ष की आपकी, कभी भी सभी वाला वर्ड नहीं आता है। तो केवल मैं यहाँ पे बोलूँगा कि ऑप्शन ए ही राइट आंसर रहेगा, ठीक है भाई। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, आई थिंक 6 ही है ना ये, तो यहाँ पे राइट आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ए जेड बी वाई को यहाँ पे सी एक्स डी डब्ल्यू लिख दिया गया है, तो एच एस आई आर को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे चल क्या रहा है ये आप देखिएगा थोड़ा सा, ए से सी के बीच में कितने का 2 का डिफरेंस है, यानी कि प्लस 2 चल रहा है। यहाँ जेड से और एक्स के बीच में भी 2 का डिफरेंस है, यानी कि माइनस 2 चल रहा है। फिर बी से डी के बीच में भी 2 का डिफरेंस है, यानी कि प्लस 2 है। और फिर यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस है बट माइनस 2 है। तो यानी कि इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि ए में प्लस 2 कर दिया, जेड में से माइनस 2 कर दिया, बी में प्लस 2 कर दिया, वाई में माइनस 2 कर दिया। इस तरीके से यहाँ पे सीरीज चल रही है। तो एच एस आई आर में क्या करना पड़ेगा आपको, एच में आप प्लस 2 करेंगे तो जे बन जाएगा, और एस में से माइनस 2 करेंगे तो क्यू बन जाएगा, आई में फिर प्लस 2 करेंगे तो आपका के हो जाएगा, और आर में से माइनस 2 करेंगे तो आपका पी हो जाएगा। तो जे क्यू आर पी इज़ द राइट आंसर, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं तो आप उनको इजिली कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में भी कुछ इस तरीके का ही है जैसे मैं ऊपर आपको बता के आया हूँ। ये एनालॉगी वाले क्वेश्चन होते हैं, यानी कि आप इनको कोडिंग डिकोडिंग से भी कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग में भी यही पैटर्न चलते हैं और इसमें भी यहाँ पे यही पैटर्न चलते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या चल रहा है देखिए, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ, इसमें आपका प्लस 2 चल रहा है, ठीक है। तो एच में आपने प्लस 2 किया तो जे बन गया, क्यू में प्लस 2 किया तो एस बन गया, जेड में प्लस 2 किया तो बी बन गया, आई में प्लस 2 किया तो के बन गया। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इस डी एम वी ई की, तो यहाँ पे भी प्लस 2 करेंगे, प्लस 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी में प्लस 2 करेंगे तो आपका एफ बन जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एफ बन जाएगा, एम में प्लस 2 करेंगे तो आपका ओ बन जाएगा, वी में प्लस 2 करेंगे तो आपका एक्स बन जाएगा, और ई में प्लस 2 करेंगे तो जी बन जाएगा। यानी कि एफ ओ एक्स जी इज़ द राइट आंसर, यानी कि देख लीजिए आप, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर रहेगा। तो आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, और यहाँ पे सीरीज आपको कंप्लीट करनी है 16, 49 और 100 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 16 की अगर मैं बात करूँ, ये 4 का स्क्वायर होता है। 79 की अगर मैं बात करूँ तो ये आपका 7 का स्क्वायर होता है, ठीक है। अगर 100 की मैं बात करूँ तो ये 10 का स्क्वायर होता है। अगर अब यहाँ पे डिफरेंस हम चेक करें तो क्या डिफरेंस चल रहा है भाई, देखिए 4 में प्लस 3 करेंगे तो 7 बन जाएगा, 10 में फिर प्लस 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 13, और 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 का स्क्वायर आप सभी को पता होगा 169 होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 169 इज़ द राइट आंसर। समझे आप इस चीज़ को, देखिए 4 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, यानी कि 4 से 7 बड़ा कितने का, प्लस 3 होके बड़ा होगा। फिर यहाँ पे 10 का स्क्वायर आया, तो यहाँ पे 10 में प्लस 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 13, तो 13 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 169। तो यही आपका राइट आंसर, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, और इसको भी करिए क्योंकि ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे क्या चल रहा है देखिए, इनके बीच में रिलेशन फाइंड आउट करिए, नेक्स्ट आप इजीली आप निकाल ही लेंगे। तो यहाँ पे चल रहा है 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है, ठीक है। उसमें से 5 माइनस कर देंगे तो 220 बन जाएगा, तो यहाँ ठीक है। फिर यहाँ पे मैं 25 का स्क्वायर करूँगा तो कितना हो जाएगा 625, और 625 में से आप 5 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 620, तो यहाँ पे 620 आपका ऑप्शन बी हो जाएगा।
तो इस तरीके के भी क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे तो आप इजीली कर सकते हैं। अलग अलग पैटर्न अलग अलग मेथड के क्वेश्चन में कराना मेरी जिम्मेदारी है, आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, आपका 100% सिलेक्शन भी होगा और इम्प्रूवमेंट तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जो रीजनिंग का करने का तरीका है ना आपका, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। अगर आप रीजनिंग नहीं लगा पाते हैं, आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे हम आ गए हैं और 10 का राइट आंसर क्या रहेगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश करिएगा। कथन यहाँ पे है, बहुत सी किताबों की दुकानें बंद होती जा रही हैं क्योंकि उनकी बिक्री कम होती जा रही हैं और दुकानों का किराया बढ़ रहा है। तो यहाँ पे पूर्व धारणाएँ क्या क्या हैं, देखिए बहुत सारी जो किताबों की दुकानें हैं वो बंद होती जा रही हैं क्योंकि उनकी बिक्री कम होती जा रही हैं और दुकानों का किराया बढ़ रहा है। तो पूर्व धारणा क्या है, लोगों में पढ़ने की आदत कम हो रही है। तो यहाँ पे आदत की तो बात ही नहीं की गई है, तो इसको हटा दीजिए। किताबों की दुनिया का शुद्ध लाभ कम हो रहा है, सॉरी दुकानों का, सॉरी दुकानें भाई, ये रात को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो रात को थोड़ा सा अलग सा रहता है माहौल। तो यहाँ पे देखिए, किताबों की दुकानों का शुद्ध लाभ कम हो रहा है, तो ये लाइन बिल्कुल सटीक इसके लिए ही बनाई गई है, यानी कि कथन से पूर्व धारणाएँ ये बिल्कुल सही है। तो सेकंड वाला ऑप्शन सही रहेगा, फर्स्ट वाला नहीं रहेगा, तो आपका राइट आंसर सेकंड वाला राइट हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पूरी पसंद आई होगी, जितने क्वेश्चन समझाए वो समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं और आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करिए, कोई भी डाउट रहता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और देखिए दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था कि इन सभी एग्जाम के लिए ऑनलाइन टेस्ट भी अवेलेबल हैं, 20 टेस्ट 120 रुपये में, तो आप इनको परचेज करके भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे भी मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ मैं हमेशा तैयार रहता हूँ, बस आप भी थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत कर दीजिए, सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है, ये मेरा वादा है, ठीक है। अगर आप मेहनत करते हैं तब की मैं बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि मैं वादा कर रहा हूँ कि आपसे सिलेक्शन दिला दूंगा मैं आपका, ठीक है। तो पढ़ाई करिए, मेहनत करिए, सिलेक्शन कभी नहीं रुक सकता है, इतना कोई हार्ड एग्ज़ाम नहीं होता है RPF का या कोई भी एग्ज़ाम जो ये चल रहे हैं इतने सारे, ठीक है। बस आप मेहनत करके पढ़ाई करते रहिए, ऑल दी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को देखने, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।